दोस्तों 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न वर्ल्ड में नेशंस अपनी सक्सेस स्ट्रेंथ सोवरेनिटी इंश्योर करते हुए अपने लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और सिर्फ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स ही ऐसे सेगमेंट्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देने के साथ ही डिफेंस सेक्टर किसी भी कंट्री के रीजनल और ग्लोबल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को भी डिफाइन करता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस वर्ल्ड स्टेज में कंट्री की डोमिनेंस शो करता है। अब जरा सोचिए, यदि डिफेंस सेक्टर ही सिर्फ इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हो तो क्या कोई भी कंट्री बलीडर बनने का सपना देख सकती है? जवाब साफ है दोस्तों, एक्सपर्ट्स द्वारा डिफेंस में सेल्फ सफिशिएंट होना किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे देश के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स भी इंडियन इकोनॉमी का एक मेजर स्पेंडिंग सेक्टर है, जहां 2020-21 फिस्कल ईयर में GDP का 2.1% डिफेंस के लिए एलोकेट किया गया और 2021-22 फिस्कल ईयर में टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 13.5% सिर्फ डिफेंस में खर्च किया गया, जो कि किसी भी सेक्टर के कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट स्पेंडिंग है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि डिफेंस में सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है और भारत अभी भी इसमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर भारत ने पाकिस्तान और चाइना से वॉर्स भी लड़े, जिसने भारत को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्स की इम्पोर्टेंस को जाहिर किया। लेकिन दोस्तों, 21st सेंचुरी का डिफेंस सेक्टर पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है। कैसे? आज टेररिज्म, साइबर अटैक्स का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में डिफेंस सेक्टर को इन सभी थ्रेट से आगे की सोच रखनी होगी। यही नहीं, रीसेंट समय में इंडिया की नेबर के साथ बॉर्डर स्क्रिमिशेस लगातार बढ़ती जा रही हैं, फिर चाहे वो हमारे अक्साई चिन्ह रीजन में हुआ इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हो या 2019 में हुआ इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ। इनके अलावा नक्सलाइट्स, माओइस्ट और ऐसे ही कई इंटरनल थ्रेट्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे भारत टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा है, वैसे ही साइबर थ्रेट्स जैसे हैकिंग, डिनायल ऑफ सर्विस और रैंसमवेयर्स का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में भारत के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स का सेल्फ सफिशिएंट होना हमारी प्रायोरिटीज की लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक डिफेंस को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और फिर अंत में हम देखेंगे कि कैसे भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स की हिस्ट्री से। दोस्तों, ईद के खास अवसर पर आपको स्टडी IQ पर मिलने जा रही है फ्लैश सेल। इस सेल का लाभ उठाने के लिए आपको सिंपली जाना है स्टडी IQ की वेबसाइट पे और यूज करना है कूपन कोड आदर्श फ्लैश और उसके बाद आपको UPSC CSE प्री प्लस मेंस का कोर्स 20,000 की जगह 9,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सेम डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी। दोस्तों, ये सेल अवेलेबल है 30th अप्रैल 2022 तक, तो अब किसका वेट कर रहे हैं आप? यूज करिए आदर्श फ्लैश कूपन कोड को और मजबूत करिए अपनी UPSC की तैयारी को स्टडी IQ के साथ, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पे। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सेल्फ रिलायंस पे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते थे। उन्होंने लगातार लोगों को कंट्री के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए मोटिवेट और एजुकेट किया, जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बेस पर होना चाहिए था। पंडित नेहरू के हिसाब से साइंटिफिक टेम्पर ही इंडिया का फ्यूचर लिखने वाला था। ब्रिटिश रूल एंड होने तक इंडिया में लगभग 12 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डेवलप की जा चुकी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन फैक्ट्रीज को सेल्फ रिलायंट बनाने पे कभी फोकस नहीं किया। इंडिपेंडेंस के बाद भी यही स्थिति बनी रही, जहां इंडस्ट्रीज तो थी लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ। साथ ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने भी आर्म्ड फोर्सेस की डिमांड को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया था और इसी के चलते आज़ादी के बाद से ही सेल्फ रिलायंस के गोल को अचीव करने के लिए भारत ने अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। 1950s के दौरान इंडिया ने बहुत ही कम टेक्निकल नो हाउ के साथ इक्विपमेंट्स को इंडिजिनसली प्रोड्यूस करना शुरू किया, लेकिन एडवांस इक्विपमेंट अभी भी इम्पोर्ट्स द्वारा मंगाए जाते थे। 1956 में रिवाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने आर्म्स एंड एमुनिशन इंडस्ट्री को सिर्फ पब्लिक सेक्टर तक सीमित कर दिया, यानी कोई भी प्राइवेट कंपनी इन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। इसके बाद 1958 में ब्रिटिशर्स द्वारा सेटअप की गई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इंडिया के डिफेंस सेक्टर की कोर इंडस्ट्रीज बनी
और इसी साल DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को सबसे पहला पुश 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद मिला, जिसमें इंडिया को सोवरेनिटी क्राइसिस सामना करना पड़ा। इस क्राइसिस ने इंडियन गवर्नमेंट को अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर को GDP के 1.5% से बढ़ाकर 2.3% कर दिया गया। उसके बाद 1965 में हुए इंडो पाक वॉर में जब USA ने इंडिया को आर्म्स एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, तब इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ डिफेंस टाइज मजबूत किए। सिर्फ अगले 15 सालों में इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट का मेजर शेयर सोवियत यूनियन से सप्लाई किया जाने लगा। इंडिया को एडवांस वेपनरी तो मिली, साथ ही इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की जाने लगी। दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बेस्ड थी, यानी इसमें इंडिया की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि सिर्फ बाहर की टेक्नोलॉजी को यहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बैंगलोर में मैन्युफैक्चर किया जाने लगा। दोस्तों, इस अरेंजमेंट के कारण इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन जैसे थम सा गया। इसके बाद 1980s में एक बार फिर से डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नए एफर्ट्स किए गए। DRDO में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए गए और इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स जैसे पृथ्वी, आकाश और नाक का डेवलपमेंट किया गया। इस पीरियड में इंडिया ने अपना फ्लैगशिप एरोनॉटिकल प्रोजेक्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट शुरू किया। फिर आया 1998 का वो साल जब इंडिया ने रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया जाना था। इस सिस्टम का नाम था ब्रह्मोस। ये रशिया और इंडिया का एक ज्वाइंट वेंचर था। 1990s में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और हुआ, जब इंडिया में लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और साथ ही कई प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। इस लिबरलाइजेशन का इफेक्ट डिफेंस सेक्टर में भी पड़ने वाला था। रिफॉर्म्स के बाद 21st सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया ने अब स्टेट रन एंटरप्राइजेस और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया था, और यहां से भारत के इतिहास में पहली बार डिफेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री का रास्ता साफ हुआ। प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस इंडस्ट्री का पूरा एक्सेस दिया गया। 2006 की डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में पहली बार मेक कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया। इस कैटेगरी में इंडिजिनस रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर फोकस किया जाना था। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने 80% तक प्रोडक्शन कॉस्ट्स का भार उठाने का वादा किया, यहां तक कि डिफेंस सेक्टर में 26% तक FDI को अलाउ किया गया। लेकिन एडवांस वेपनरी के लिए गवर्नमेंट अभी भी इम्पोर्ट्स पर आश्रित थी, जैसे Sukhoi-30 MKI को एयरफोर्स में शामिल किया गया, नेवी के लिए सबमरीन्स और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स परचेज किए गए और आर्मी के लिए हॉविट्ज़र्स लॉन्ग रेंज गन्स परचेज की गई। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी 2013 की डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी में डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को बूस्ट करने की कोशिश की गई। इस पॉलिसी में इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट को प्रेफर्ड चॉइस अनाउंस किया गया। इसके बाद से इंडिया लगातार सेल्फ रिलायंस के अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ता जा रहा है। भारत उन चंद देशों में शामिल है जिसने खुद के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स को डेवलप किया, लेकिन उसके साथ ही इंडिया ने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशंस का सपोर्ट लेना बंद नहीं किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिफेंस पॉलिसी जो 2016 में आई, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016। तो 2014 तक पब्लिक सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस और फंडिंग दोनों की ही कमी थी। इसके साथ FDI या फिर प्राइवेट सेक्टर कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दिया। लेकिन 2014 के बाद डिफेंस में एक बड़ा चेंज देखने को मिला। इस पॉलिसी के तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर्स लिए गए, जैसे प्रोक्योरमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाई गई, ईज ऑफ बिजनेस पर फोकस किया गया और एंट्री बैरियर्स को भी कम किया गया, जिससे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री आसान हो पाती। प्राइवेट सेक्टर को बड़े इंसेंटिव्स देने की बात की गई। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी पर भी ध्यान दिया गया, लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान किया गया, जो प्राइवेट प्लेयर्स को रोकने का सबसे बड़ा कारण था। FDI को भी 26% से बढ़ाकर इस पॉलिसी में ऑटोमेटिक रूट से 49% कर दिया गया। गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से 49% से ज़्यादा FDI की भी मंजूरी दे दी गई। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 में मेक इन इंडिया को भी प्रमोट किया गया। इस पॉलिसी में एक बाई इंडियन IDDM प्रोक्योरमेंट कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों, IDDM का मतलब है इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। इस कैटेगरी को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया। तो दोस्तों, ये था एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव।
आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करंट सिनेरियो, जहां हम देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। दोस्तों, मई 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पैंडेमिक के मद्देनजर एक नई मुहिम शुरू की, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस अभियान के तहत डिफेंस सेक्टर को एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर घोषित किया गया। इस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जा सकती हैं और साथ ही इम्पॉर्टेंट बर्डन भी कम किया जा सकता है। 2015 से 2019 के बीच इंडिया ने वर्ल्ड के लगभग 10% आर्म्स को इम्पोर्ट किया, जो कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट था। हाल ही में हुए इंडिया चाइना टेंशंस ने शॉर्ट नोटिस में प्रोक्योरमेंट करने की जरूरत को उजागर किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे में इम्पोर्ट को रिड्यूस करना जरूरी हो जाता है। इम्पोर्ट रिड्यूस करने के साथ इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट को भी इंकरेज किया जा रहा है। इस तर्ज पर फरवरी 2021 में इंडियन आर्मी ने पुणे बेस्ड भारत फोर्ज कंपनी से M4 आर्म्ड व्हीकल्स के ऑर्डर दिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी मेक इन इंडिया को सक्सेस बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, जैसे डिफेंस सेक्टर में FDI को एक बार फिर से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। 2021-22 से टोटल कैपिटल एक्विजिशन बजट का 60% डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए रखा गया है, यानी 60% प्रोक्योरमेंट सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री से ही किया जाएगा। मिनिस्ट्री ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 को रिवाइज करके डिफेंस एक्विजिशन 2020 रिलीज किया। इस DAP 2020 में सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया गया है। इसमें इंडिजिनस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की बात की गई और साथ ही स्टार्टअप्स और MSMEs के इनोवेशन को एक बड़ा पुश दिया गया है। 2020 और 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इम्पॉर्टेंट एम्बार्गो लिस्ट अनाउंस की। इन लिस्ट में कुल 209 आइटम्स के इम्पोर्ट को बैन किया गया, जिससे इंडिजनाइजेशन को एक बड़ा पुश मिल पाएगा। दोस्तों, डिफेंस फ्रंट में आज इंडिया के पास एक बड़ा इंडस्ट्रियल बेस तैयार किया जा चुका है, जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इस इंडस्ट्रियल बेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है DRDO, जो डिफेंस रिसर्च की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा 2021 में सरकार ने 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को मिलाकर 7 गवर्नमेंट कंपनीज में कन्वर्ट किया, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड होंगी। प्राइम मिनिस्टर ने इन कंपनीज को इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ का बेस बताया है। ये 7 कंपनीज हैं म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कम्फर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड और इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। इसके अलावा 12 डिफेंस PSUs या DPSUs भी इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट की इस आत्मनिर्भर कैंपेन में एक इम्पॉर्टेंट मेजर और लिया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है। आइए ब्रीफ में देखते हैं डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या रोल प्ले कर रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 2001 के बाद से इंडिया के डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन किया गया। इस सेक्टर में काफ़ी इंकरेजिंग ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो चुका है, जैसे बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम या BMS के डेवलपमेंट में 2 कंपनीज इन्वॉल्व थीं, टाटा और L&T। इसके अलावा गवर्नमेंट ने DRDO को प्राइवेट प्लेयर्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है। इसके तहत L&T को अनमैंड एरियल व्हीकल लक्ष्य डिजाइन करने का जिम्मा दिया गया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 में एक सिग्निफिकेंट प्रोविजन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके तहत सिलेक्टेड इंडिया प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को फॉरेन कंपनी से पार्टनरशिप करने की अनुमति दी गई। इसमें फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया गया। अगस्त 2020 में एक इंडिजनाइजेशन पोर्टल सृजन लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से DSPUs और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए MSMEs स्टार्टअप्स को डेवलपमेंट सपोर्ट देना आसान हो पाएगा। इसके अलावा एक पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट भी तैयार की गई, जिसमें ऐसे आइटम्स लिस्ट किए जाएंगे जिन्हें इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाएगा। प्राइवेट कंपनीज के इस पुश के चलते 2021 में कल्याणी रफाइल एडवांस सिस्टम ने अपनी पहली इंडिजिनस मिसाइल्स इंडियन आर्मी को सौंपी। ये कंपनी कल्याणी ग्रुप और इसराइल की रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम का एक ज्वाइंट वेंचर है। आज इंडिया में 300 से भी ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं, जिसमें से लगभग 110 ने डिफेंस के लिए प्रोडक्शन शुरू भी कर दिए हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्राइवेट प्लेयर्स हैं टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, अडानी, कल्याणी रफाइल एडवांस सिस्टम्स, L&T एक्सेट्रा।
तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड डिस्कशन जहां हमने इंडिया की डिफेंस इंपोर्ट हिस्ट्री और अब तक की गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में जाना। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन मेजर से भारत वाकई में आत्मनिर्भर बन पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हर तरह से संभव है, लेकिन जहां एक तरफ इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ने इन मेजर्स को वेलकम किया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं जिन्हें जल्द से जल्द एड्रेस किया जाना चाहिए। आइए कुछ रिफॉर्म्स पर नजर डालते हैं जो भारत को डिफेंस में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों सबसे पहला चैलेंज है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और कैपेबिलिटीज में थमी हुई ग्रोथ, जहां हाईटेक वेपन्स अभी भी एक चैलेंज बने हुए हैं। इस ग्रोथ के रोकने का एक कारण यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बजट एलोकेशन में कमी देखी जा रही है। दूसरा कारण है बजटरी इश्यूज, जहां टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर का 54% शेयर सिर्फ सैलरीज और पेंशन को दिया गया है और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए सिर्फ 27% एलोकेट किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे बढ़ाने का प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही आर्म्ड फोर्सेस की फ्यूचर नीड्स जैसे हाईटेक वेपन्स और इक्विपमेंट्स की स्ट्रेटजिक प्लानिंग की जानी चाहिए और इन्हें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इंक्लूड किया जाना चाहिए। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया जाना चाहिए और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। और सबसे आखिरी है प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। प्राइवेट सेक्टर भारत के आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने में निश्चित मददगार साबित हो सकता है। गवर्नमेंट को और भी बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को बड़े प्रोजेक्ट्स देना भी शुरू करना होगा। प्राइवेट प्लेयर्स को मशीनरी के रिपेयर मेंटेनेंस का भी जिम्मा दिया जा सकता है। दोस्तों देश को आत्मनिर्भर बनाने की ये मुहिम काबिले तारीफ है। एक रोबस्ट डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और आत्मनिर्भरता के सपने को भी साकार कर सकता है। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस जहां पर मैंने डिस्कस किया कि भारत के डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं और किन किन क्षेत्रों में भारत अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा आपका क्या ओपिनियन है, ऐसे कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको उठाकर डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होने के उस सपने की तरफ और तेजी से बढ़ा जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।